See, this is the topic of essay also. Yes, and here this is only for the general study. Essay yahan par kaafi aata hai. So, if you want to prepare essay, so jo main topic hai, these are climate change. इन पर ऐसे प्रिपेयर कर लेना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हर साल दो इनमें से आ जाएगा. देन इट इज वाटर इशू, वुमेन रिजर्वेशन, देन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया, इकोनॉमी इशू और भी रहता है. अगर कोई पॉलिटी पर ऐसे आया तो तभी अटेम्प्ट करना इफ यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ठीक है, पॉलिटी और always try to write on social issues. Yes, social issues. For this year means water crisis, one of the most expected essay, and climate change is of course for every year. But the problem is that we are able to write the essay but not able to score a good marks. So uske liye strategy kya hai? आज वाटर करेंगे, वाटर का तो ऐसे एक पे पूरा हो जाएगा. सी, वन इज यू नीड टू रीड द स्टोरीज. फॉर एग्जांपल, वो मेरे इशू चंदा जवेरी की स्टोरी है. शी वांटेड टू स्टडी अ मोर बट फैमिली अपोज. उसने कहा कि अपने जो भी गहने जेवरात बेचकर वो चलेगी अमेरिका, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा. तो वहाँ पर क्या हुआ, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आई थिंक ल्यूकेमिया एंड साइड बाई साइड शी स्टार्टेड अ बिजनेस. शी वॉज स्टडिंग इन माइक्रोबायोलॉजी. तो उसने क्या किया, जो स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी तो उसने घर में स्किन का कुछ ना कुछ क्रीम फेस पर लगानी शुरू कर दी एंड अल्टीमेटली शी इन्वेंटेड अ न्यू क्रीम. तो अभी वो उसका पूरा एक ब्रांड है इन अमेरिका. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज. सिमिलरली आपको स्टोरी चाहिए वाटर की, वाटर की केस स्टडी आज हो जाएगी. यू आर एबल टू डू दैट. ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट अ एसे विद द स्टोरी. ठीक है, स्टोरी कैसे, जैसे अपनी ये चंदा जवेरी की स्टोरी है, वुमेन का इशू सपोज एग्जाम में आ गया, आपने स्टार्ट किया, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू कोट राइट सम फेमस स्टेटमेंट देयर. और उसका जो सस्पेंस है ना, उसको लास्ट में लिखो. जैसे आप स्टार्टिंग में लिखोगे दैट चंदा जवेरी वेंट टू अमेरिका है ना फॉर फर्दर स्टडी, और एट द एंड यू आर डिस्क्लोजिंग कि शी इज़ नाउ अ ओनर ऑफ अ बिग कंपनी एंड ऑल दिस, तो वो क्रिएट करता है सस्पेंस इन योर एसे. ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर करोगे इट मीन्स यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल स्टडी. सेकेंड थिंग इज स्टेटमेंट, देन ऑफ कोर्स डेटा इज देयर, केस स्टडी. सो दीज आर एसेंशियल. आपने पढ़ी होगी वेरियस इन दिस आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो ना, कई आर्टिकल स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए. सो इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग विद अ स्टोरी यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ अदर. सो इन मेन इशू पर स्टोरी एक एक केस स्टडी ले लो, दैट इज मोर देन इनफ. जैसे रिजर्वेशन पर कंपेयर इट विद द अमेरिका, हाउ द रिजर्वेशन ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका. तो यू कैन ऑल्सो एड अ केस स्टडी ऑन अ रेलवे कि रेलवे में एफिशिएंसी कम नहीं हुई विद द रिजर्वेशन. दैट इज द पॉइंट कि हम जब कहते हैं ना दैट विद द रिजर्वेशन द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम डिक्रीज है ना, तो वो आपका ऑपोजिट पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, देन सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच, वन मोर इज प्राइवेसी. ठीक है,
Clear? So today's topic is what? Another thing is that always try to see the background. कि वहाँ से जो past history है कोई भी topic. Because these days UPSC is asking various question from the historical perspective. वो पहले वाली बात तो रही नहीं है, वो सीधा question आ जाएगा, है ना. तो वहाँ से आपको history देखनी देखनी है. History देखो कैसे, for example you are preparing a particular organization. एक तो उसकी website, उसमें who we are and वो लिखा होता है ना, उसमें पहले चार पांच लाइनें बस पढ़ दो, that is more than enough. Because UPSC ये 365 से तो बनाते नहीं question. They are making a question from directly from a website. और most of the time हमने क्या देखा है कि उसकी जो भी that जो भी statement UPSC में आती है, they are directly matched with the their website की जो first line है. Whether a organization is an intergovernmental or non-governmental, एक तो एक question आता है उसका nature of that particular organization. Second is India से क्या लेते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं which you need to take a care about. See now the water crisis अभी news में है ना, आपने सुना भी होगा हर जगह यही problem है. One is the causes of this water crisis क्या है इंडिया में, कोई आइडिया? बोलो सर. एक तो मॉनसून डिपेंडेंट, मॉनसून डिपेंडेंट है. यस, वी कैन डिफरेंशिएट इट इनटू टू पार्ट्स. वन इज अ नेचुरल कॉजेस, अनदर वन इज अ एंथ्रोपोजेनिक. अगर मैं आपको बोलूं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन यू विल राइट द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड ओजोन, राइट. बट देर इज अनदर कॉजेज विच आर नेचुरल. इफ यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इन एग्जाम, दे आस्क यू अ कॉजेज ऑफ अ वाटर क्राइसिस इन इंडिया और कॉजेज ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. अगर आपने एंथ्रोपोजेनिक लिखे हैं, दैट मीन्स इट इज जस्ट यू आर आस्किंग जस्ट अ हाफ ऑफ द क्वेश्चन. तो वो ऑटोमेटिकली अगर 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अराउंड 6-7 मार्क्स में ही मतलब लिखा है. सो वट कैन बी द रीजन, सी वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. नेचुरल कॉजेज द डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इन एशिया द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 60% अराउंड, अराउंड की बात करूँ. हालांकि अभी मैंने बोला है अभी और इंक्रीज हो गई होगी, है ना. इन दिस वे वी आर प्रोग्रेसिंग. सो द 60% पॉपुलेशन है एंड द वाटर शेयर इज अराउंड 36%. सो यू कैन कंपेयर हेयर. अगर मैं एशिया की बात करूँ, पॉपुलेशन इतनी है 60% ऑफ वर्ल्ड, बट वाटर कितना है अवेलेबल, फ्रेश वाटर, इट इज अराउंड 36%. इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 17%, है ना, एंड वाटर शेयर इज 4%. सो हमारे पास दो फैक्ट आ गए. सी वन इज यूपीएससी कैन आस्क यू इवन अ प्रीलिम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा. इट विल आस्क यू फॉर एग्जांपल एशिया हैव अ मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, नंबर वन स्टेटमेंट. सेकंड इज द वाटर शेयर ऑफ एशिया इज मोर देन 50%. तो ऐसे स्टेटमेंट पूछती है जनरल. सो यू शुड नो दैट वेदर इट इज अ मोर देन 50 और लेस देन 50, सिंपल सी बात, ठीक है. Around 17% of world. World and 4% of world water. Yes. Now, if I compare the South America की population कितनी है? 6% of world. But water share is 26%. Now, here you can equate them. अब देखो एशिया में 60% पॉपुलेशन
के ऊपर कितना वाटर है 36% अराउंड हाफ है ना, कि 2% पॉपुलेशन में वाटर शेयरिंग कितनी है 1%। बट इन साउथ अमेरिका कहाँ है 6% पॉपुलेशन 26% वाटर। इट मीन्स 1% पॉपुलेशन इज शेयरिंग अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ वाटर। तो एक तो हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर इज लेस, तो ये तो नेचुरल कॉज है इफ आई टॉक अबाउट है ना। द सेकेंड इज रेनफॉल, समझ आए। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट इन अ एसे एंड इन अ मेन सेंस। तो वैल्यू एडिशन से मार्क्स मिलेंगे बिकॉज वाटर, इफ दे आस्क यू द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, ये तो बहुत सिंपल है ना, टॉपिक इज वेरी सिंपल बट इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ मार्क्स इन दिस बिकॉज एवरीबॉडी विल राइट वही सेम कॉजेज लेकर। सो यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट इन दिस वे यू कैन क्रिएट। कि अगर साउथ अमेरिका से हम कंपेयर करें, देयर पर पॉपुलेशन वाटर अवेलेबल इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू एशिया। सो इट इज नॉट ओनली वी कैन से दैट एशिया इज और इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर क्राइसिस है ना, हमारा मिस यूज एक ही नहीं है बट अवेलेबल सोर्स इज ऑल्सो लेस। क्लियर। द सेकेंड वन इज रेनफॉल, इसमें एक डेटा लिख लो, वी आर यूजिंग जस्ट 18% ऑफ रेनफॉल वाटर अवेलेबल, 18 ठीक है। सी इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल है हमारे, हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है ऐसे है ना। बट डू यू थिंक इट इज अ वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कर्सिटी एरिया, स्टिल इट इज अ वाटर स्कर्सिटी एरिया। द रीजन इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ अ वाटर हार्वेस्टिंग। पानी तो है यहाँ पे मानसून के टाइम पे बहुत पानी है बट आफ्टर दैट वाटर डिक्रीजेस क्योंकि हमने स्टोर करना नहीं आता। इट मीन्स दैट नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो हमारे वैसे ही रहेगा। अगर मैं वेस्टर्न इंडिया की बात करूँ द स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर क्या है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। द रीजन इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड MSP है ना, MSP आपको आप पैडी और बीट को दोगे, इट मीन्स दैट यू आर ल्यूरिंग अ फार्मर्स टू ग्रो दोस टाइप ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। रेनफॉल का हो गया, देन अनदर थिंग इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न की बात मैंने अभी की है ना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग द वर्ल्ड लेवल विद द इंडिया, ठीक है। तो इससे बेटर आंसर हो ही नहीं सकता दैट यू आर कंपेयरिंग द वर्ल्ड विद द इंडिया। तो कहाँ कहाँ पर शॉर्टेज है कहाँ कहाँ पर। द नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, आवर मेजर फोकस इज ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। सी इंडिया, व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट राइस, it means that India is not only exporting a rice but it is also exporting a water, so that is again a major issue. If I talk about rice kitna water le raha hai, 2900 liter per day per kg, ye kaun sa rice hai India ka, but 2900 liter per day. But if I compare to the water consumption by a rice एट अ वर्ल्ड लेवल, इट इज अराउंड 2291 लीटर पर डे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अराउंड 2900 एंड दे आर टेकिंग, इंडिया का है 2900 एंड दे आर अराउंड 2100 लीटर पर के जी। दिस इज द वर्ल्ड एवरेज, दिस इज द इंडिया। Here again it means that we are using more water in a rice. तो यहाँ पर water wastage हमारी कितनी है। If the application क्या है इसकी, if they ask you a question in on agriculture, you can write down right this type of data कि हमारी जो
ये नहीं है कि हमें क्रॉप डाइवर्शन एंड डिवर्सिफिकेशन चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग मोर वाटर। इट मीन उसके बाद तो हम वो घर में बनाते हैं, 2-3 लीटर वहाँ पे डाल देते हैं उसमें, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, लिखना मत इसका, ठीक है। द अनदर थिंग इज वीट, दिस इज अ राइस, वीट की हमारी है अराउंड 1700 kg पर लीटर, लीटर पर kg, और वर्ल्ड की एवरेज है 1300। वीट की हम कितना यूज़ कर रहे हैं, टू ग्रो 1 kg ऑफ वीट इज 1700 liter पर kg, एंड वर्ल्ड 1300 liter पर kg। सो इट मीन्स दैट वी आर वेस्टिंग वाटर इन अ वीट ऑल्सो, एक तो ये है, ठीक है। सो दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर इकॉनमी एज वेल, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर का ऑप्शन आएगा तो अच्छा आता है, द सेकेंड फॉर द वाटर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इट मीन्स दैट एग्रीकल्चर इज, वी कैन से इंडिया हैव टू इन्वेस्ट अ मोर कंजर्वेटिव एफर्ट इन एग्रीकल्चर रेदर देन, यहाँ तो फ्लड इरीगेशन हो रही है, वो रात को चला कर चले जाते हैं, सुबह आते हैं जब या तो लाइट गई होती है या फिर फसल गई होती है, है ना, तो वहाँ पर क्या फ्लडिंग, फ्लडिंग इज, तो अभी स्मार्ट पंप वगैरह आएंगे वो मोबाइल से बंद कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर एक दूसरे का बंद करेंगे, अपना शरारती है ना आजकल चल रहा है। सी द नेक्स्ट इज अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, lack of proper maintenance of water supply, these all are causes of water crisis in India. इसमें क्या डेटा है हमारे पास, loss of 40% of piped water, loss of 40% of piped water in urban areas. तो urban area में हम जितना water supply कर रहे हैं, right, during a transmission there is a loss of 40% of water during a transmission. तो रास्ते में लीकेज और ये सारे कारणों से 40% लॉस हो रहा है, ठीक है। देन इज अ पुअर रीयूज, पुअर रीयूज हमारा रीयूज ही पुअर है, उसमें कितना हम यूज़ कर रहे हैं, सी 80% ऑफ द वाटर विच रीच टू द हाउस होल्ड इज वी कैन से ड्रेन्ड एज अ वेस्ट वाटर। फॉर एग्जांपल आपने 100 लीटर भेजा है, ठीक है, आउट ऑफ दिस 100 वी हैव टू रिसाइकल एट लीस्ट 80%, बट हमारा 80% कहाँ पे जा रहा है, एज ए वेस्ट, इट मीन्स दैट वी आर नॉट रिसाइकलिंग द वर्ल्ड। इतना डेटा बहुत है, ठीक है। उसके बाद आप जो आपके जनरल पॉइंट है, वन इज ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ह्यूमन इंक्रोचमेंट से क्या हो रहा है, चेन्नई में फ्लड आया था इन 2015 आई थिंक, 15 में आया था, यस सर, द मेजर रीजन वाज प्लास्टिक, तो वहाँ पे जो पॉलीथीन पोल्यूशन है वो ड्रेन में फंस गया था एंड अल्टीमेटली वहाँ पर फ्लड आ गया। देन सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी, सीएजी ने बोला दैट द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ चेन्नई गवर्नमेंट इज वेरी पुअर। और अब क्या हुआ, एक तो रिवर है चेन्नई में जो चेन्नई से निकलते हैं अदियार एंड कोम वगैरह, है ना, दे आर पोल्यूटेड, इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल दैम, क्योंकि एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन से क्या निकलेगा, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से क्या होगा, BOD इंक्रीज होगा, वो बात भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट मीन्स दैट नाउ चेन्नई इज डिपेंडेड ऑन लेक्स, तो लेक्स पर डिपेंड है, लेक में वाटर कहाँ से आएगा, मानसून से। लास्ट ईयर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून थी जो चेन्नई में वाटर देती है, दैट इज डेफिशिएंट, नाउ द रेन इज अगेन डेफिशिएंट दिस ईयर, तो इट मींस दैट वहाँ पर लेक में पानी आएगा, है ना। तो अगर 2015 जब फ्लड आया था, इफ दे हैव अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर द वाटर, ठीक है, वहाँ पर स्टोर करते, उसके बाद स्टोर करते, जितना भी होता कम से कम स्टोर करते, दे कैन यूज एट दिस टाइम वाटर स्कार्सिटी, लेकिन वहाँ पर स्टोरेज की है ही, ठीक है। सो दिस इज़ द इशू इन इंडिया, इन मेजर सिटीज़, और क्या क्या इशू होंगे मेजर मेट्रो पॉलिटिकल सिटीज में इंडिया में, वन इज बिल्डिंग, बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग से क्या होगा, इट मीन्स दैट वो जो एरिया है ऑल इज कवर्ड बाई कंक्रीट, तो वहाँ से अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी, इट मीन्स दैट ऑल वाटर विल गो थ्रू
ड्रेन्स हैं, ठीक है, वो सी में चला जाएगा अल्टीमेटली, जो भी घूम घाम के या फिर किसी रिवर में, विच इज़ अ पोल्यूटेड रिवर, है ना। इट मीन्स विद द एनक्रोचमेंट हमने क्या किया, वी आर डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू अब्जॉर्ब अ वाटर, ठीक है। अनदर मेट्रोपोलिटन सिटी में हमारे क्या है, इट इज़ अ पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, पर कैपिटा वाटर कंजप्शन डिक्रीज होगी, बट हमें क्या चाहिए, इंक्रीज, ठीक है। सो एक इंडिया और डेवलपिंग कंट्री का कंट्रास्टिंग इफेक्ट भी है। सी इन डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ द वाटर इज यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज रेदर देन एग्रीकल्चर, लिख लो ये इम्पोर्टेंट। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर, द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज, बट इन इंडिया, बट इन इंडिया अराउंड 83% वाटर, बट इन इंडिया अराउंड 83% ऑफ वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर, अब देखो 83% वाटर हम काम पे यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितनी जीडीपी कर रही है, अराउंड 16-17%। सो इट मींस दैट द सेक्टर विच इज प्रोड्यूसिंग 16-17% ऑफ जीडीपी, वी आर इन्वेस्टिंग 83% ऑफ वाटर ऑन दैट। तो वाटर जल ही जीवन है ना। सो इट मींस दैट वी आर आवर दिस सिस्टम इज इनएफिशिएंट, बिकॉज व्हेन अ कंट्री डेवलप, पहले एग्रीकल्चर आया, उसके बाद जब आप इंडस्ट्री पर शिफ्ट करोगे, इट मीन्स दैट आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगी, बट एट द सेम टाइम आपकी जो एग्रीकल्चर है इट शुड बी मोर एफिशिएंट, क्योंकि पहले जो जब आप एग्रीकल्चर पर फोकस करोगे, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी एफिशिएंट एट द फर्स्ट ऑफ स्टेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट स्टेज से जब नेशन कोई दूसरी स्टेज पर जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद द टेक्नोलॉजी ऑफ अ सेकेंड स्टेज, इंडस्ट्री की जो भी टेक्नोलॉजी होगी, वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स चाहिए वहाँ पे, है ना। तो वी हैव टू इन्वेंट अ वेरियस मेथड फ्रॉम वेयर वी कैन डिक्रीज द वाटर यूजेज इन एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब हमने पहली स्टेज पर कुछ, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इज देयर, है ना। आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू द इंडस्ट्री, तो हमने इंडस्ट्री का यूज करके एग्रीकल्चर को नहीं सुधारा, ठीक है। इट मीन्स लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी कुछ नहीं किया, वी डायरेक्टली जंप टू देन टू द सर्विस सेक्टर। सो दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ अ नेशंस ग्रोथ, क्योंकि एक तो आप अगले स्टेप का यूज करोगे, जैसे एक घर में दो बेटे होते हैं, बड़े ने जो गलती की है उससे सीखकर उस छोटे को बताते हैं ना कि तूने आईएएस की तैयारी नहीं करनी, है ना। तो इन द सेम वे दिस इज देयर, है। सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट यूजिंग द इंडस्ट्री इन एफिशिएंट वे। इंडस्ट्री से हमने जो भी मशीन एंड ऑल दी थिंग जो भी बनाई है, वी आर नॉट यूजिंग इन एग्रीकल्चर। सो एक ये भी हमारी इनएफिशिएंट वे, क्लियर। इतने कॉजेज बहुत है, कितने हो गए, है भी एक सेवन हो गए, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस, यहाँ पर पांच छह क्वेश्चन बन सकते हैं इन थ्री एंड इन मेंस, एक ऐसे आ गया तो 125 मार्क्स, टू जीएस में तो आएगा ही आएगा। हेल्थ पर इंपैक्ट होगा। वन इज सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी, टॉयलेट्स इन फॉर एग्जांपल टॉयलेट आर देयर राइट, बट लैक ऑफ वाटर क्या होगा, वी आर अनेबल टू यूज वाटर, है ना, और टॉयलेट्स। इट मीन्स दैट ओपन डेफिकेशन विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन ओपन डेफिकेशन क्या होगा, डिजीज बर्डन विल इंक्रीज, है ना। तो ये एक लिंक है। देन वाटर बॉर्न डिजीज,
पॉवर्टी पर. सी नाउ इन चेन्नई क्या हो रहा, हो क्या रहा वहाँ पे. चेन्नई में वाटर मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला है, घर में बैठकर काम करो, है ना, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, या फिर बोलते हैं कि बोतल वाटर की लेकर आना साथ. ठीक है, सी वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है दैट दे आर अनेबल टू प्रोवाइड अ वाटर टू देयर एम्प्लॉयज. तो गरीब आदमी क्या करे. द मोस्ट ऑफ द पार्टी, इवन रजनीकांत की पार्टी जो है, दे आर ऑल्सो वो अपना अपने टैंकर पर बैनर लगाकर घूम रहे हैं, है ना, पानी दे रहे हैं. बट जो अमीर बंदा है वो क्या करेगा, यू विल परचेज अ वाटर. वहाँ पर कंपनी आ गई होगी, ठीक है, टैंकर वगैरह ले लिए, बट गरीब बंदा कहाँ जाएगा. सो पावर्टी एक मेजर इशू हो जाएगा, बिकॉज द पुअर पर्सन हैव अ लेस मनी एंड ही इज अनेबल टू परचेज अ कॉस्टली वाटर. ये एक इम्पैक्ट होगा. अनदर वन इज वाटर डिक्रीज इन वाटर, डिक्रीज इन एग्रीकल्चर. डिक्रीज इन एग्रीकल्चर से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा. सो इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग अ पावर्टी. देन एजुकेशन, मैंने ये बताई दी है, एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट होगा. द रीज़न इज स्कूल्स में वाटर की कमी होगी, लैक ऑफ सैनिटेशन इन इवन इन स्कूल फूड्स स्पेशली फॉर गर्ल्स. ठीक है, तो ये सारे इशू आएंगे. एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, वो आप लिख लो डेटा है, नीति आयोग रिपोर्ट. नीति आयोग का क्या आया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, which says that by 2020 major cities will run out of groundwater India में. ठीक है, इसने estimate लगाया था, estimate क्या नज़र ही लगाई थी, एक तो होगी है ना. तो ये this is the one of the issue. It also said that by 2050, 6% loss of GDP can occur to India. ठीक है, तो हमारा GDP का 6% loss होगा due to less water. अब ये कैसे होगा, see decrease in water, it means that decrease in water in every sector. सो अगर आपको क्वेश्चन है, यू कैन लिंक एग्रीकल्चर विद द डिक्रीज इन वाटर, दिस इंडस्ट्री है ना, कंट्री सेक्टर में वाटर तो चाहिए. अल्टीमेटली क्या होगा, वॉशिंग ऑफ कोल एंड ऑल दिस, वहाँ पर भी वाटर की जरूरत होती है इन एवरी इंडस्ट्री. टर्शियरी सेक्टर को तो हमने देख ही लिया, ये अभी क्या हुआ, देयर आई टी कंपनीज आर देयर. देन टूरिज्म सेक्टर के मेजर इम्पैक्ट होगा, बिकॉज डिक्रीज इन वाटर, वहाँ से टूरिज्म हमारा कम होगा. ठीक है, so it means that water is impacting everywhere, whether it is a primary, secondary or tertiary, whether it is a health, poverty, है ना. तो ये सारा education sector, क्योंकि बच्चे को पानी मिलेगा नहीं. ठीक है, तो ये सारे issue हैं. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. अब सॉल्यूशन क्या दें इसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्रॉपर वाटर हैंडलिंग. हाँ जी, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट, देखो आपने कोई केस स्टडी पढ़ी है इन इंडिया, जैसे वो अन्ना हजारे वाली थी, रेलेगांव सिद्दीकी महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्या था, वाटर हार्वेस्टिंग वर्क है. वाटर हार्वेस्टिंग का ही वो था ना मॉडल. अगर आप और भी पढ़ो, देर आर मेनी केस स्टडीज इन इंडिया. एक चीज उनमें सभी में कॉमन है, दैट ऑल एफर्ट आर एट विलेज लेवल. इट मीन्स दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस और अनटिल इट इज़ डन एट डिसेंट्रलाइज लेवल, एक पंचायती लेवल पर काम करें.
तो पहले हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, इंडिया ने इरीगेशन बेनिफिट स्कीम ये वो सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं, बट हमारे प्रॉब्लम क्या है, स्टेट डू नॉट वॉन्ट टू शेयर आ वाटर डेटा, जो रिवर का डेटा ही नहीं शेयर करते, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कितना पानी कहाँ पे रहना हो जी सी, कि कोई स्टेट सपोज करो पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाटर का डेटा शेयर करें कि हमारे पास इतना सरप्लस है और इतना कम है, ओनली देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, ठीक है। अभी बुंगरू सिस्टम भी आया था, बुंगरू सिस्टम सुना, बुंगरू सिस्टम में क्या था, अभी यहाँ पे एस सी एल जो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी सेंटर है यहाँ पे भी बन रहा है, इट इज बुंगरू सिस्टम सपोज ये एक सॉइल, ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसे नीचे को पाइप को इसमें डाल देंगे, ठीक है, जब रेन आएगी क्या होगा, द वाटर विल फ्लो थ्रू दिस पाइप एंड रीच और द ग्राउंड वाटर, ये एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन हमारे यहाँ बोरवेल में बच्चे गिर जाते, ठीक है, लेकिन ये छोटा होगा निकल गया, ठीक है, क्लियर। सो इट इज अराउंड 10 मीटर और 20 मीटर का यहाँ पाइप डालेंगे, सो दैट वाटर इज कलेक्टेड इन दिस प्लेस एंड अल्टीमेटली इट विल फ्लो टू द लोअर लेवल, तो वहाँ से वाटर रिचार्ज होगा एंड देन ड्यूरिंग अ अदर टाइम वहाँ से वाटर यू कैन पंप द वाटर फ्रॉम अ सॉइल। तो ये बढ़िया सी टेक्निक है जो शुरू किया, बट द रीजन इज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट एट और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एट द डिसेंट्रलाइज, इससे अलावा कोई भी इशू नहीं है, वी हैव ट्राइड ऑल द थिंग्स, वेदर इट्स द एफर्ट ऑफ अ सेंटर और वेदर इट्स द एफर्ट ऑफ स्टेट, वी हैव ट्राइज ऑल दीज थिंग्स, हाँ हेल्प चाहिए उनकी, बट एट द सेम टाइम द प्राइमरी रोल इज ऑफ अ पंचायत लेवल, है ना। तो वन इज अ इंक्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, सोल्यूशन में लिख लो इंक्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें क्या आएगा, वाटर रिजर्वायर इज, है ना, फॉर्म अ वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल बुंगरू सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो वैल्यू एडिशन है वही करवा रहा हूँ, बाकी तो आपको पता है द सिंपल थिंग सर, फॉर एग्जाम्पल बुंगरू सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट इरीगेशन कैपेसिटी, इसमें क्या आएगा, एफिशिएंट जो जो हमने डेटा लिखा है ना यू कैन यूज है, एफिशिएंट इरीगेशन कैपेसिटी में क्या है, एक तो आपको फ्लड सिस्टम वाला वो खत्म करना पड़ेगा, हेयर यू कैन राइट ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, जिसमें मैंने लिखा था राइस एंड कंपेयर किया था ना राइस एंड वीट ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल इन वर्ल्ड द राइस कंजप्शन ऑफ वाटर इन द राइस इज दिस बट इन इंडिया इज दिस, सो इट मीन्स दैट सिमिलरली वी आर ऑल्सो सेम उसी को रिपीट कर रहा हूँ, वी आर ऑल्सो यूजिंग वाटर अप्रॉक्सीमेटली 80% इन एग्रीकल्चर, तो इट मीन्स दैट वी आर इन एफिशेंट इन दिस वे ऑल्सो, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है, मैं डेवलप्ड और इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा, इवन विद इन अ डेवलपिंग कंट्रीज दे आर बेटर देन इंडिया वेन इट्स कम टू यूजेज ऑफ वाटर, ठीक है। देन वाटर शेड मैनेजमेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, सॉरी एक केस स्टडी लिखते हैं, इट इज अ केस स्टडी, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, स्पीड ठीक है, आज कितने घंटे की क्लास है, 3 बजे, हिवरे बाजार, दिस इज अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र, अगर आपने ये केस स्टडी अच्छे से कर ली ना यू आर एबल टू एनालाइज एनी आंसर ऑन वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, हिवरे HIWARE बाजार,
अराउंड 1990s, तो इस गांव की जो इशू थे, ठीक है वो मैं लिखवा दूंगा आपको इसको पहले समझो। इशू हुआ था वेरी लो, अराउंड 12% ऑफ कल्टिवेबल लैंड, लैंड थी नहीं, क्योंकि द रीजन इज लैक ऑफ मॉइस्चर, अराउंड 400 mm यहाँ पर वो रेनफॉल थी, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई, पॉवर्टी वाज इन, मैंने लिंक किया है ना हाउ वाटर डेफिशिएंसी इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी, पॉवर्टी वाज देयर देन द बिकॉज कल्टिवेबल लैंड कम होगी क्या होगा, फार्मर्स आर अनएबल टू सो द सीड एंड ऑल दी थिंग, वहाँ पे क्रॉप होगी ही, इट मीन्स दैट लाइवलीहुड विल डिक्रीज एंड माइग्रेशन। उसके बाद क्या हुआ, द मेजर पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज माइग्रेटेड टू सिटीज जहाँ पर कुछ ना कुछ काम मिले। देन यहाँ पर एक पढ़ा लिखा आया बंदा, ठीक है, उनको इन्होंने क्या बनाया, सरपंच, पोपट राव नाम था, ठीक है। तो देन ही इन्वेस्टेड इन वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था भाई, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या हुआ, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट की। देन दे बैंड द ग्रेजिंग ऑफ लैंड, तो उन्होंने क्या क्या किया, ग्रास का लेवल इंक्रीज किया। सो विद द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्रास, ठीक है, जो एरिया दूसरा था वहाँ पर भी ग्रास की, तो इट मीन दैट वहाँ पर वाटर अब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर वाटर अब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया, दैट इज वाटर बजटिंग। वाटर बजटिंग में इन्होंने क्या किया, दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, यहाँ पर इतना आपका रिचार्ज हो चुका है। इन वाटर बजटिंग दे सेड दैट इफ द वाटर लेवल इज दिस मच, वी विल नॉट यूज मोर देन दिस, ठीक है। आपने रेन हार्वेस्टिंग अपना रेनफॉल से जो भी रिचार्जिंग हुई, ठीक है, वो इतनी होगी, इट मीन बट हम जो यूज करेंगे इट शुड बी अ लेस देन दिस लेवल। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एवरी टाइम द वाटर विल बी देयर, है ना, वो जितना उसमें रिजर्व हो रहा है, अगर एक बाल्टी पानी की है, ठीक है, तो आप वहाँ से एक बाल्टी यूज नहीं कर रहे, यू आर यूजिंग लेस देन दैट, इट मीन्स एवरी टाइम वाटर विल बी देयर। तो अल्टीमेटली विद द टाइम वहाँ पर पूरा सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज हो गया, सो इट मीन्स दैट विद द इंक्रीज ऑफ सॉइल मॉइस्चर क्या होगा, फार्मर एबल टू कल्टीवेट, गेट अ कल्टीवेबल लैंड, है ना। तो यहाँ पर कल्टीवेबल लैंड हो गई, फिर इन्होंने ग्रेजिंग को शुरू किया बाद में। तो इन दिस वे द इनकम ऑफ अ फार्मर इज इंक्रीज बाय 15 टाइम्स अराउंड, ठीक है, तो एक डिकेड में इतना इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द वो अन्ना हजारे वाली तो पुरानी हो गई है ना, तो दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल दैट एट अ दिस पंचायत लेवल इट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट वे टू कंजर्व अ वाटर रेदर देन द इन्वेस्टिंग अ मनी फ्रॉम अपर फ्रॉम अ स्टेट देन स्टेट में, वो नीचे जाते जाते हैं तो वो एक बॉटल पानी की आती है उसने बचते, है ना। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिसेंट्रलाइज। अभी हमारे भी आप देख लो घर में क्या होता है, किचन में वो टैप को चलता छोड़ देते, ठीक है, नहाते हो तो ठीक है, तो वहाँ पर वाटर कितना यूज होता है, हमारी बॉटल ये जितना बचता है ऐसे फेंक देते हैं। सो दीज आर वी कैन से स्मॉल स्टेप फ्रॉम वेयर वी कैन डू एफर्ट टू कंजर्व अ वाटर। लेकिन हाँ ठीक है, हम नीट चलती है आजकल, ठीक है, तो वहाँ पर वाटर यूज नहीं होता, बट वो एक उससे कंजर्वेशन में इतना फर्क नहीं आया, ठीक है, वी हैव टू टेक अ लॉट मोर एफर्ट, क्लियर। सो दीज आर वी कैन से आप ये कह सकते हो पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस वे। अब लिखो केस स्टडी, इसमें समझ आई केस स्टडी, तो ये केस स्टडी आप यूज कहाँ पे करोगे, एक तो यूज करोगे ऐसे में, यू कैन स्टार्ट विद द वहाँ से वो डैशिंग सा जो देते हैं ना द हिंदू और बाकी न्यूज़पेपर में, तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे स्टोरी ऑफ हिंदू बाजार एंड इशू बता दिया आपने, उसका रिजल्ट नहीं बताना, मतलब एंड में बताना। देन आप स्टार्ट करोगे इंडिया में इशू किया गया बॉर्डर में, आपने हिवरे बाजार के इशू बता दिए, दैट दीज आर मेजर इशूज इन विलेज, है ना। देन यू स्टार्ट विद द इशूज ऑफ इंडिया, उसको वर्ल्ड से जो भी आपके माइंड में है आपने लिखा, उसके बाद आप सोल्यूशन बताओगे। एट द एंड यू डिस्क्लोज व्हाट हैपेंड टू दिस विलेज विद द
हेल्प ऑफ वेरियस थिंग्स। ये मतलब एक लेवल ये ऐसे का, अगर आप स्टोरी ऐड करते हो ये लेवल हो गया। इफ़ यू क्रिएट अ सस्पेंस इन दैट स्टोरी देन उसका उससे ऊपर लेवल है, क्योंकि वो जब इंट्रो पढ़ते हैं वो एक माइंड में सस्पेंस क्रिएट होता है कि ये इस विलेज का हुआ गया उसके, ठीक है। एंड एट द एंड जब आप डिस्क्लोज करते हो तो वो पूरा एक जो एग्जामिनर के माइंड में स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, अच्छा ये स्टार्टिंग से हुआ था एट द एंड। सो दिस इज द फाइनल लेवल ऑफ ऐसे राइटिंग, इससे ऊपर नहीं है। बट पहले आप स्टोरी ऐड करना सीखो, सस्पेंस तो बाद में क्रिएट कर लेते, ठीक है, समझे। ओके सही लिखो, इन 1990s अ विलेज कॉल्ड हिवरे बाजार इन महाराष्ट्र वॉज फेसिंग अ वॉटर क्राइसिस जस्ट 12% ऑफ कल्टिवेबल लैंड वॉज प्रेजेंट एंड villagers used to have a water only during monsoon, ठीक है, which lead to migration तो यहाँ पर 90% ऑफ फैमिली वर बीपीएल, सो इट मीन्स दैट अगर 90% ऑफ फैमिलीज वर बीपीएल, जब हम इसका पूरी केस स्टडी लिख लेंगे देन यू कैन रियलाइज दैट इट इज इम्पैक्टिंग अ इकॉनमी एज वेल। जो 90% बीपीएल है उनकी लाइवलीहुड एंड वेजेस इंक्रीज हुए, इट मीन्स दैट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज देयर। जैसे नीति आयोग ने बोला ना दैट बाय 2050 इट विल इम्पैक्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, तो इट मीन्स दैट इकोनॉमिक इफेक्ट इज देयर, ठीक है। आगे लिखो, आफ्टर अ फ्यू इयर्स पोपट राव पवार ये एमकॉम था भाई, लिख देता हूँ रिपीट करने से हो गए। ठीक है, रिटर्न टू अ विलेज एंड बिकम अ सरपंच ठीक है। क्लियर। नाउ द एफर्ट, अब इन्होंने एफर्ट क्या किया टू चेंज द होल सिनेरियो। वन इज वॉटरशेड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या किया, वॉटर कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, bans on cutting of tree, ban on grazing, am I audible? Last, the second step was water budgeting, so this is a we can say new thing जो अभी तक हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस होती है, वाटर बजटिंग टू एंश्योर दैट, इसमें लिखो टू एंश्योर दैट विलेज डज नॉट ड्रॉ
village does not draw more water than it stores. To ensure that village does not draw more water than it stores. ठीक है? And small amount kept in a reserve. अच्छा, एक हमने ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, डू यू थिंक दैट इंटरलिंकिंग ऑफ अ रिवर इज अ सॉल्यूशन टू वाटर क्राइसिस इन इंडिया, तो उसमें क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन पॉइंट तो आने चाहिए, बाकी तो यही लिखना है। एक तो है सी द वाटर अवेलेबिलिटी इन इंटर इन वी कैन से वाटर सरप्लस रिवर कब होती है, व्हेन देयर इज अ मॉनसून, लेकिन चाहिए कब? ऑफ सीजन में, एट दैट टाइम देयर इज अ फ्लो डिक्रीजिंग वेरी वी कैन से इवेपोरेशन इज देयर इन इंडिया स्पेशली क्योंकि हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, द सेकंड थिंग इज हम द इनएफिशिएंट वे ऑफ यूज वाटर का है, तो अल्टीमेटली जब तो जरूरत है इन अ सपोज फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आपको जरूरत है, यू आर लिंकिंग द वेरियस रिवर कि आप नॉर्थ ईस्ट से वाटर ले जाओ महाराष्ट्र में, लेकिन वो तो तभी वाटर आएगा जब मानसून का टाइम होगा। ठीक है, और उसके बाद फ्लो डिक्रीज हो जाए, तो इंटरस्टेट वाटर एक तो इशू ये है, द सेकेंड इज दैट इट इज मोस्ट इनएफिशिएंट वे कि यहाँ से जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, कि कोई टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो भी आपका होगा, अगेन यू इंटरलिंक द वाटर, वो सबमर्ज करेंगे एंड दैट एरिया इज वी कैन से ट्री एरिया ग्रास एरिया देयर है ना, तो वहाँ से जो उसकी अब्जॉर्प्शन है वो अल्टीमेटली फील्ड डिक्रीज होगी। द थर्ड इशू क्या आएगा, इंटरस्टेट रिवलरी इज देयर है ना, द सेकेंड थिंग इज दैट इन मेरी डेवलप्ड कंट्रीज व्हेन दे इंटरलिंक द रिवर्स, बड़े प्रोजेक्ट नहीं जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया, देवर इफ इनएफिशिएंट, तो उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो इंडिया के केस में जहाँ पर जो स्टेट वो तो आपको पता ही है इंटर वाटर रिलेशन कैसे है हमारे स्टेट से, तो इट मीन्स दैट दिस इज अ वी कैन से दिस विल बी नॉट अ सक्सेसफुल। अगर केन बेतवा की बात करूँ इंटरलिंकिंग की, द प्रोजेक्ट इज पेंडिंग सिंस 20 ईयर, तो 20 साल तो एक को जोड़ने में लग गए, तो बाकी कैसे जोड़ें? ठीक है, इंटरलिंकिंग इज अ नॉट अ सोल्यूशन, हमारा जो रेन आ रही है उसको ही आप कंजर्व करो। ठीक है, सो अब रिजल्ट लिखो टूडे, 1/4 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, 1/4 फैमिलीज ऑफ अ विलेज और मिलियनेयर, अब एक 1/4, अरे लॉटरी नहीं लगी यार। ठीक है, 1/4 ऑफ द फैमिलीज और आर मिलियनेयर्स, तो इतनी कमाई वो कैसे गई? ठीक है, इन पास्ट 15 ईयर एवरेज इनकम हैज इंक्रीज्ड 20 टाइम्स ऑफ अ फार्मर, हालांकि इसमें देखो स्टेट का भी रोल था, रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का जैसे आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, दे इंप्लीमेंटेड द आदर्श ग्राम योजना इन दिस एवरेज रिजल्ट, तो एमजी नरेगा जो है हमारी स्कीम उसका भी एफर्ट था, सो इट मीन्स दैट द मेजर एफर्ट इज ऑफ अ पंचायत गवर्नमेंट एंड एट द सेम टाइम कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, तो ये आपका एट द एंड कंक्लूजन होना चाहिए, दैट गिव अ फ्रीडम टू अ पंचायत लेवल। ठीक है, उसके बाद जो भी फंड है फ्रॉम अ स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल जो भी आएगा दैट कैन बी यूज, तो ऐसा नहीं ऊपर से आ गया कि, क्योंकि होता क्या है कितने अभी ये बंगलू सिस्टम में क्या हो रहा है, इवन चलो ये मैं इसकी बात नहीं करूँ कोई भी, ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इन्होंने बोला कि दैट आप ऐसा सिस्टम ये मैंने बताया ऐसा बना, नाउ द मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक लाइबिलिटी सी है, वो इन्फ्यूजन में नहीं है कि हाँ एक गाटू पाइप और उसमें बस पड़ा रहे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर नीचे से इनिशिएटिव होगा ओनली देन इट विल बी अ सक्सेसफुल थिंग है ना, तो वहाँ से गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाता है ये बना दो, उसमें फंड आ जाता है एंड देन यू आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट कब होगा, या तो आप ये स्ट्रक्चर मेंटेन रखो क्लीन करो एंड यू आर यूजिंग वाटर फ्रॉम दिस, पीनी बाहर से पानी पी रहे हैं ना, इधर वैसे ही छोड़ा हुआ पानी, अब जब इंस्पेक्शन होगी तो वो पाइप लगा के भर देंगे इसको है
ऐसे ही होता है गवर्नमेंट पर, ठीक है, क्लियर। तो और क्या रिजल्ट आया, इंक्रीजिंग ग्रास ग्रासलैंड एरिया एंड इंक्रीजिंग ऊंचा बोल, माइक तो नहीं लगाने की जरूरत, ओके, इंक्रीजिंग ग्रॉस लैंड एरिया, अब ठीक है, एंड फार्मर स्टार्ट ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, जैसे अनियन, ठीक है, कैश क्रॉप लाइक अनियन, पोटैटो, टोमेटो, क्लियर। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया यूपीएससी में वाटर प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, आपको ये कहाँ कैसे यूज करोगे, यू कैन यूज एज ए एग्जांपल, अगर दो क्वेश्चन है अराउंड 200 मार्क्स का, ठीक है, इफ यू आर राइटिंग ऐसे देन यू कैन यूज इट एज ए स्टोरी। तो यहाँ पर इफ दे आस्क यू द सॉल्यूशन, तो इसी को आपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, जैसे इसमें जो स्टेप इन्होंने लिए हैं, दी स्टेप इज अननेसेसरी इन एवरी लेवल, तो हमारे पूरे इंडिया में ऐसे स्टेप की जरूरत है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या है, ट्रीट वाटर एट कम्युनिटी लेवल कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन सिक्योर, जो इन्होंने स्टेप किया है ना उनसे हम क्या सिग्निफिकेंस किया, ठीक है, सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट एंड एडजस्ट क्रॉप लेंथ्स टू फिट विद इन अवेलेबल वाटर एंड एडजस्ट क्रॉप लेंथ्स टू फिट विद इन अवेलेबल वाटर, इसका मतलब है इफ यू हैव अ लेस वाटर यू हैव टू गो विद द दोस टाइप ऑफ क्रॉप विच आर नॉट वाटर इंटेंसिव, आपके पास पानी कम है और आप राइस को ग्रो कर रहे हैं तो इनएफिशिएंट हो गया, रिपीट करो, ठीक है। अब वर्ल्ड लेवल की देख लेते हैं, वन इज डीसेलिनेशन में कौन सी कंट्री है, इसराइल से, सी डीसेलिनेशन में करते हैं, इंडिया में है कोई डीसेलिनेशन प्लांट, यस सर चेन्नई में है दो, यस इट इज चेन्नई में दो एग्रीकल्चर, दो वो क्या कह रहे हैं मैं पानी दूंगा, वो कह रहे हैं मैं इसलिए कम है, डीसेलिनेशन प्लांट इसमें होता क्या है, टू गेट अ वाटर फ्रॉम ओशियन से क्या करेंगे, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना एंड वाटर को एक्सट्रैक्ट, मैं लिखवा देता हूँ पहले, द प्रॉब्लम वाज कि इनएफिशिएंट इंडिया में क्यों हुआ, इट इज़ अ एनर्जी इंटेंसिव, तो यहाँ पर एनर्जी काफ़ी यूज हो रही थी, इन्होंने फिर बोला इंडिया और इसराइल ने किया हुआ ना इसमें, तो इसराइल ने सोल्यूशन दिया है सोलर डीसेलिनेशन प्लांट, नाउ इसराइल इज यूजिंग द सोलर डीसेलिनेशन, इसराइल इज अ वन ऑफ द कंट्री वेयर द वाटर लेवल इज वेरी लो, तो वहाँ पे पानी था ही, तो उन्होंने सी वाटर से कन्वर्ट करके वाटर यूज करते हैं, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग मोर वाटर देन दे नीड, ठीक है, इसका मतलब इसका नेगेटिव है एनर्जी इंटेंसिव, तो सॉल्यूशन क्या दिया, सोलर डीसेलिनेशन का। अब इंडिया इज लोकेटेड इन अ ट्रॉपिकल है ना, तो यहाँ पर इट मीन्स डैट सोलर डीसेलिनेशन प्लांट इज वेरी बेनिफिटेड टू इंडिया, तो इंडिया कैन यूज, तो ये एक और है सन टू एनर्जी, पहले ये लिख लो डीसेलिनेशन, तो ये प्राइम एग्जांपल अगर आप बोलो दैट हाउ इंडिया शुड लुक फॉरवर्ड, तो यहाँ पर हमारा डीसेलिनेशन प्लांट की एक एग्जांपल आ जाएगी,
desalination, removing salt from seawater. ये भी केस स्टडी है ना. दिस इज अ केस स्टडी एट इंटरनेशनल लेवल हाउ अ पर्टिकुलर कंट्री विच वाज फेसिंग अ वी कैन से वाटर क्राइसिस एंड देन इमर्ज्ड एज अ वाटर सरप्लस. तो जो हमारी हेवरी बाजार थी वो इंडिया की एग्जांपल है. तो आपके पास दोनों केस ठीक है. इज़राइल वन ऑफ द ड्राइएस्ट कंट्री on earth with the 60% desert. With the 60% desert. ठीक है. But now it makes more water than needed. ठीक है. Than needed. आगे लिखो. India also have a desalination plants. But are energy intensive. ठीक है. So Israel come up with what are energy intensive. मतलब वो एनर्जी बहुत यूज कर रहे हैं. ठीक है. So Israel come up with solar desalination plant. Solar desalination plant which cuts energy cost by 90%. तो इसने energy cost को decrease कर दिया by 90%. ठीक है. एक और लिख लो. सोलर पावर्ड वाटर प्लांट. ठीक है. अब इसको सन टू वाटर भी कहते हैं. सन टू वाटर टेक्नोलॉजी. अब इसमें है क्या. सी वेरी सिंपल मेथड है. एक सोलर एसी टाइप का जो बॉक्स होता है ना, ऐसा सोलर जो ये पावर वाटर प्लांट है, इसको आप एस्टेब्लिश करोगे या तो रूफ पर और विंडो. ठीक है. अब ये क्या करेगा. इट विल सक ऑल द एयर. ठीक है. तो वहाँ से जो भी मॉइस्चर होगा वो इसके अंदर आ जाएगा. अब इसके अंदर क्या है. सॉल्ट पैनल है. तो सॉल्ट पैनल क्या करेंगे. दे विल अब्सॉर्ब द वाटर. मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना. जैसे हम सॉल्ट को बाहर रखते हैं आपको गीला गीला सा हो जाता है आफ्टर. ठीक है. अब वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया. अब डिसेलिनेशन प्लांट क्या कर रहा था. एक्सट्रैक्टिंग वाटर है ना और सॉल्ट को अलग कर रहा था. सिमिलर वे में अब सोलर हीट से इट विल वेपोरेट अ वाटर आउट ऑफ यू कैन से दिस मॉइस्ट सॉल्ट. वहाँ से वाटर वेपोरेट होगा और उसके बाद अल्ट्रावायलेट इस पर जाएगी. जैसे हमारी बिस्लेरी वगैरह अल्ट्रावायलेट यूज़ करते हैं ना, तो उसको डिसइंफेक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली दे कैन यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड ऑल. समझ आया इसमें क्या होता क्या है. ये कोई है कोई नॉन टेक्निकल फील्ड किसी को समझ ना आया. क्लियर है सर. लास्ट ओके लिखो. दिस इज़ अ यूएस टेक्नोलॉजी. यूएस की टेक्नोलॉजी also called sun to water technology. अब इसको ना स्टेप में लिख लेना. दो चार जब मैं एक पॉइंट बोलूंगा उसके बाद नीचे एरो डाल के ऐसे लिख लेना इसकी प्रोसेस क्या है. फर्स्ट लिखो एयर कंडीशन साइज सिस्टम आउटसाइड बिल्डिंग और रूफ. ठीक है. एयर कंडीशन साइज लिख लिया. एक सिस्टम आउटसाइड बिल्डिंग लिख दो. घर में नहीं रखना. ठीक है. उसके नीचे एरो डालो. नीचे ऐसे फर्स्ट लाइन लिखी ना आपने ऐसे.
Second is fan blows air over natural salt. Fan blows air over natural salt. Fan blows air over natural salt based element. Natural salt based element that absorb water molecule from air. That absorb water molecule from air. अब एक नीचे एरो डालो और थर्ड स्टेप में क्या होगा, सोलर हीट एक्सट्रैक्ट लिक्विड आउट ऑफ सॉल्ट. सोलर हीट एक्सट्रैक्ट लिक्विड आउट ऑफ सॉल्ट. एक और एरो डालो, अल्ट्रावायलेट टू एलिमिनेट बैक्टीरिया. अल्ट्रावायलेट टू एलिमिनेट बैक्टीरिया. और एक लास्ट में नीचे डालो क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट, हाँ जी, ड्रिंकिंग वाटर. सी इन वाटर क्राइसिस वी हैव कवर्ड द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर इन यूज सिंस द जनवरी. एक तो वो कवर होगी, सेकंड वी हैव कवर्ड द ऑल एस्पेक्ट. तो अगर आपको क्वेश्चन आए वेदर कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, देन द सोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन, then the case study of India and the comparison.